का सेकेंड नंबर दिया हुआ है 2x+3y इज लेस देन इक्वल टू 6, x+4y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x+3y इक्वल टू में 6 और दूसरा हो जाएगा x+4y इक्वल टू में 4। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इनके दो दो सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं तब उनका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से देखिए अब। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ x यहाँ y, यहाँ भी x यहाँ y। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, एक्स की जगह 0 रख देते हैं तो वाई का 3 3 2 6 2 आ जाएगा, वाई का 0 रखते हैं तो एक्स का 3 आ जाएगा, इसमें एक्स का 0 रखते हैं तो वाई का 1 आ जाएगा और वाई का 0 रख देते हैं तो एक्स का 4 आ जाएगा। चलिए अब इसका हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखिए क्या ले लेते हैं, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स और इधर ले लेते हैं एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे हो जाएगा आपका वाई डैश। 0 2, अच्छा तो पहले इसमें कुछ वैल्यूज को लेते हैं, 4 तक ले लें, 1 2 3 4। इधर देखिए 1 2 3 4, इस पर देखिए -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलिए देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर, देखिए क्या हो जाएगा, 0 2 ये रहा 0 2, फिर उसके बाद 3 0 ये रहा। तो इन दोनों से होकर जाने वाला जो लाइन होगा वो कुछ इस तरह से लेके जा सकते हैं, लाइन डॉटेड होगा कि डार्क, तो डार्क क्योंकि लेस देन और इक्वल टू दोनों कह रहा था आपके क्वेश्चन में। यह है आपका 2x+3y इक्वल टू में 6। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला सुनिए, 0 1 और दूसरा है 4 0। इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से चला जाएगा। ठीक है, और इसका भी इक्वेशन हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, x+4y = 4। अब देखिए अब जो इन इक्वेशन दिया है उसको चेक कर लेते हैं 0 0 पर, तो लिख लेते हैं इन इक्वेशन एट 0 0, 2 × 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 6 और दूसरे वाले में है आपका x की जगह 0 + 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या 0 < है ना 6 से, तो ये भी ठीक है, 0 > है ना 4 से, ये भी ठीक है, इट्स ट्रू, दोनों ट्रू हो रहा है यहाँ पर। जब ट्रू हो रहा है तो सोल्यूशन रीजन किधर होगा, दोनों लाइन के इधर के तरफ, दोनों के इधर। और एक और चीज हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के इधर, और हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर ये भी दिया हुआ था कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x 0 से ग्रेटर और इक्वल कब होगा, जब y एक्सिस के इधर होगा, है ना, y एक्स इक्वल टू 0 का ग्राफ y एक्सिस ही ना होता है जी, तो ये लाइन को इंक्लूड करके और इसके इधर का वैल्यू, इस लाइन को इसमें इंक्लूड करके और इसके इधर का वैल्यू, तो सॉल्यूशन रीजन ये वाला हो जाएगा, दोनों में ये इन दोनों को देखते हुए और इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे सब में कॉमन जो होगा ये वाला रीजन हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करनी है और साथ ही साथ उन अक्षों पे धनात्मक दिशा में भी बात करनी है। ठीक है, और उसके बाद दोनों अगर ट्रू हो रहा है तो इसके इधर ये वाला रीजन हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर।